नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। दस दिनों से लापता दातुन और पत्तल बेचने वाली 70 साल की बुजुर्ग महिला का शव घाघरा पुलिस ने बरामद किया है। घाघरा पुलिस ने रविवार को तड़के सुबह चातमदाग ग्राम की रहने वाली लगभग 17 साल की बुजुर्ग महिला जितनी उराव का शव बरांग अंबागढ़ नामक जंगल से बरामद किया गया है। शव की सूचना मिलते ही थानेदार अभिनव कुमार अति उग्रवाद प्रभावित इलाका होने की वजह से पूरी एहतियात बरतते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और माओवादियों का गढ़ माने जाने वाले बरांग के जंगल से शव को निकाला। इस संबंध में थानेदार अभिनव कुमार ने बताया है कि मृतक की बेटी रीना देवी ने रविवार की सुबह घाघरा थाने में लिखित आवेदन देते हुए अपनी मां की लापता होने की खबर दी थी, जिसके बाद छानबीन किया गया तो पता चला कि जंगल में एक बुजुर्ग महिला का शव पड़ा है। जाकर देखा तो पता चला कि उक्त शव जितनी देवी का है, जिसके बाद शव को बरामद कर पीएम के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में मृतका की बेटी रीना देवी से पूछने पर उन्होंने बताया कि उसकी मां घर पर अकेली रहती थी। 8 दिसंबर को मेरे मामा आए थे, जिनकी विदाई करने के लिए मेरी मां जंगल की ओर गई थी। मेरी मां बाजार में दातुन और पत्तल बेचने का काम करती है। विदाई कर लौटने के दौरान जंगल से दातुन और पत्तल तोड़कर लौटने की बात कहकर घर से गई थी, जिसके बाद वो लौटकर नहीं आई। गांव में लोगों से फोन करके पूछा तो पता चला कि लगभग 8 दिनों से जितनी देवी घर में नहीं है, जिसके बाद घाघरा थाने में इस बात की सूचना दी गई। छानबीन के दौरान पता चला कि बरांग जंगल में एक शव है। जाकर देखा तो वो शव जितनी देवी का था। 6 साल पहले दामाद की हत्या हुई थी। मृतका की पुत्री रीना देवी ने बताया कि उसकी मां की कोई संतान नहीं थी, सिर्फ एक बेटी थी। घर पर अकेली रहने के कारण हम सभी अपनी मां के पास चातम दाग रहते थे। इसी दौरान 6 वर्ष पूर्व मेरे पति चंदर उराव की हत्या भी अज्ञात लोगों के द्वारा कर दी गई, जिसके बाद से हम अपने ससुराल में रहने लगे। तब से मेरी मां अकेली रहती थी। इस संबंध में थानेदार अभिनव कुमार से पूछने पर उन्होंने कहा कि शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं शक के बिहाव पर 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जल्द ही अपराधियों का पता लगा लिया जाएगा और सभी सलाखों के पीछे होंगे। जितनी देवी जो ग्राम चितमदा की रहने वाली थी, वो पिछले 10 दिनों से लापता है। एक्चुअली 3 दिन पहले ये अपने घर वालों को कॉल की थी गांव में, और गांव से अपने माँ से बात करने के लिए बोली, तो वो बोली कि जब से तुम्हारे मामा लोगों को छोड़ने के लिए गया ही गई है माँ, उसके बाद से रिटर्न नहीं आई, घर में ताला लगा हुआ है। इसी बीच बात का छानबीन करने के लिए कल वो लोग गाँव आए, ग्राम चितमदाग आई रीना देवी, और उसके बाद ग्रामीणों के मदद से और खुद भी चारों तरफ खोजबीन चालू की अपनी माँ का, ये लेकिन कहीं को सुराग नहीं मिला। शाम होते होते एक आदमी इन लोग को आकर के बताया कि चितमदाग और बरांग के बीच में जो जंगल है, उस जंगल में पहाड़ी के नीचे एक महिला का शव पड़ा है जो अधेड़ उम्र की देखने से लग रही है। इस सूचना पे वो लोग वहाँ पे गई और देखी कि हाँ कि उसकी माँ का ही शव है। इसके बाद अंधेरा हो जाने के कारण और कोई अप्रोच नहीं होने के कारण बॉडी को वहाँ से नहीं उठाया जाया जा सका, और ना ही अंधेरा होने के कारण थाना आई वो लोग। आज सुबह में आके कंप्लेन दर्ज करवाई, जिसके बाद हम पुलिस बल यहाँ से दल बल के साथ हमने प्रस्थान किए और उसके बाद बॉडी को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं, और 1-2 लोगों को हम लोग लाए हैं हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रहे हैं। तो भगवाबा तो भागा जून कहते वो मीटिंग जगह नहीं ठहरला और घर चल गया, घर चल गया। फिर हमार दीदी अलग बोलो कहा कि एक बार गलती हुई गेला तो माफ कर देवा, ऐसा कहला हने का गलती हो गया, सही सब दिन ऐसा बोले के चाहिए, और पूरा खराब खराब भी हमार माई के बोलला ने ऐसा बोले के चाहिए सही से को इकर का लगो इकर जानी छो अलग हो कहा। उतने कहला कि ऐसे कुछो हुई, तो गांव वाला कहला कि ऐसे कुछो हुई तो ठीक नहीं हुई, कहने अगर हमार जगह अलग हमार माए पहले कहला कि ए बेटी तोर भाटू से हम इधर लड़ाई हुई रहला, से कुछ भी हुई जा तो उखे विजय की धार पे कहल ने। हम कहली हाँ माए वह तो दुश्मन एगो हम इनके रहे, पहले भी तोर दामाद के मारला खुल हम जाने विजय माई रहे। हाँ विजय माई रहे, से हम जाने नहीं पार ली, जे मारला से फंसा ही नहीं पार ली, दूसरा के फंसा दिली, मगर साथ ने वो मर रहा है।
कब से पहले भी तोर पति के विजये मार रहे। हाँ विजये मार रहे, यही मार रहे। कहत रहे कि थी हमार साढ़ू के मरुआ दिली हम छटका, एक छटका धान के बीज के बोलो कुछ कर ही नहीं पारलक हमार सारी, तो आप का करें, आप तो इकला होला के ऐसा कहा। जीएन भारत के लिए गुमला घाघरा से पंकज कुमार की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।